योर किड्स आर नॉट योर रिटायरमेंट फंड, और इसी वजह से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो भी तब जब आपके पास आपकी रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग हम स्टार्ट कब से करें? क्या 50 इयर्स में स्टार्ट करना सही है? आखिर 10 साल, अगर 60 साल में रिटायर होना है तो 10 साल इनफ होगा, राइट? या 40 इयर्स से स्टार्ट करते हैं, तब हमें 20 इयर्स मिलेगा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए? द करेक्ट आंसर इज, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करनी है आज इसी समय। दैट मीन्स आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करनी है। आई टोटली अंडरस्टैंड अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रेजेंट एंजॉय करना ज़रूरी है, बट प्रेजेंट एंजॉय करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए प्लान करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप 25 इयर्स के हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तो रिटायरमेंट में काफ़ी टाइम है और रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग उतना ही आसान होगा और आप अपने लिए उतना ही अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। आप चाहें तो लेट स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपकी एज अभी 30 ईयर्स है और आपको 60 ईयर्स में रिटायर होना है। इसका मतलब आपके पास है अभी 30 ईयर्स का टाइम। आप हर महीने 10,000 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो 10% रिटर्न्स के हिसाब से आपके पास 2,27,00,000 का कॉर्पस बन जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। सपोज आप वेट करते हैं और आप 40 इयर्स में रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब आपके पास 20 इयर्स है। अगर हम टाइम चेंज करें, 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके 10% के रिटर्न्स में 20 इयर्स के लिए देखें, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो होता है 24 लाख, बट आपके कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है अराउंड 76 लाख रुपीस। मतलब केवल 10 साल लेट स्टार्ट करने से आपके कॉर्पस की वैल्यू 2,27,00,000 से नीचे आ जाती है 76 लाख रुपीस तक। अच्छा चलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, आप 40 इयर्स की एज में स्टार्ट करते हैं, मगर आप डबल इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। मतलब 10,000 की जगह अगर आप 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, 40 से 60 इयर्स के बीच में, मतलब आप 20 सालों तक 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और हम मान लेते हैं आपको अगर 10% का रिटर्न आ रहा है, 30 सालों तक 10,000 इन्वेस्ट करने की बजाय अब आप 20 साल तक 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आपका कॉर्पस अराउंड 1.5 CR का ही बनकर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट डबल करने से भी हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इससे हमें ये समझ में आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ईजी रहेगा और उतने ही ईजिली आप अपने कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे, और फिर जब आपकी रेगुलर इनकम डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो आप इस कॉर्पस से अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ईजिली मेंटेन कर पाएंगे। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। सपोज आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिटायरमेंट के समय 2 करोड़ रुपीस की जरूरत है, बट द फैक्ट इज कि मैं अगले 30-35 साल तक रिटायर नहीं होने वाली हूँ, और आज से 30-35 साल बाद वो 2 करोड़ की वैल्यू बहुत कम होने वाली है। तो इसी वजह से जब आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को ध्यान में रखें तो आपको उसे इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा कि आज से 30 साल बाद मुझे कितना अमाउंट चाहिए। वैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके नेक्स्ट पॉइंट से निकल जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते जाइए, ताकि आप आफ्टर इन्फ्लेशन अपने डिजायर्ड कॉर्पस तक पहुंच पाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपने किसी एक इंस्ट्रूमेंट में ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को रखा हुआ है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क काफी कम हो जाता है, मगर फिर भी क्योंकि ये रिटायरमेंट कॉर्पस है, ये आपके तब काम आएगा जब आपकी कोई और इनकम सोर्सेज नहीं रहेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे डाइवर्सिफाई करके रखें और सिर्फ एक एसेट क्लास में अपना पूरा रिटायरमेंट फंड इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने रिटायरमेंट के टाइम पे डेट फ्री रहें। जब आपके पास रेगुलर इनकम आती रहती है उसी टाइम पे डेट को पे ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। इमेजिन कीजिए जब आपकी रेगुलर इनकम नहीं आ रही है और आपको डेट को रीपे करना है, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
इसी वजह से अपने डेट को इस तरह से प्लान कीजिए या अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को इस तरह से बढ़ा दीजिए तो आप जो भी डेट है उसे इजीली पे ऑफ कर सकें। अगर इसके अलावा भी आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और हमारे साथ एक कॉल शेड्यूल कीजिए। आपकी पूरी जर्नी में हमारी टीम आपको पूरी तरह से असिस्ट करेगी। और तब तक अगर आपकी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टॉक मार्केट investments are subject to market risk. Please read offer documents carefully before investing.